नमस्कार, आज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई सेशन कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है, तो राज्य भर में राज ठाकरे के अल्टीमेटम का असर दिख रहा है। कई जगहों पर बगैर लाउडस्पीकर के अजान की गई, तो कई जगह मनसे कार्यकर्ताओं ने मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयास किया। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि राज ठाकरे को इस केस में तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम माहौल पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राज्य में कोई भी गैर कानूनी लाउडस्पीकर नहीं चल रहा है। ऐसे मुद्दों के बहाने राज ठाकरे माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उधर आम आदमी पार्टी चुपचाप महाराष्ट्र में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ। गत 23 अप्रैल से राजद्रोह के आरोप में भायखला जेल में कैद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई सेशन कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने कहा है कि आने वाले समय में राणा दंपत्ति इस तरह का कोई और विवाद नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत अवधि के दौरान वे सबूतों से न तो छेड़छाड़ करेंगे और न ही इस पूरे मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोनों को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। सोमवार को समय ज्यादा हो जाने के कारण मुंबई की सिविल एंड सेशंस कोर्ट के शेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े अपना ऑर्डर पूरा नहीं लिखवा सके थे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के आह्वान के बाद राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी हुई थी। राणा दंपत्ति की ओर से वकील रिजवान मर्चेंट और आबाद पोंडा ने कोर्ट में दलीलें पेश की, जबकि मुंबई की खार पुलिस की ओर से सरकारी वकील प्रदीप घरत ने जमानत याचिका का विरोध किया। राणा दंपत्ति के वकील ने दलील पेश करते हुए कहा, राणा दंपत्ति एक जिम्मेदार नागरिक है और हर शर्त का पालन करेंगे। सुनवाई के दौरान वकील ने लगाए गए राजद्रोह के आरोप पर भी सवाल उठाया। इस दौरान वकील ने राणा दंपत्ति की 8 साल की बेटी का भी हवाला दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा दिया गया अल्टीमेटम आज खत्म हो गया। राज्य भर में इस अल्टीमेटम का असर भी दिख रहा है। कई जगहों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही अजान की गई। कई जगहों पर बगैर लाउडस्पीकर के अजान की गई, तो कई जगहों पर मनसे कार्यकर्ताओं ने मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का भी प्रयास किया। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अच्छी खासी तादाद में पुलिस बंदोबस्त भी लगाया गया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे खुद आज शहर के अलग अलग पुलिस स्टेशन में दौरे कर रहे हैं। इसी बीच राज ठाकरे ने अपने चाचा बाल ठाकरे का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। इस वीडियो में बाल ठाकरे भाषण देते हुए यह कह रहे हैं कि जिस दिन महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनेगी, उस दिन से मस्जिदों पर लगे हुए लाउडस्पीकर उतार दिए जाएंगे। दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने सड़क पर होने वाली नमाज और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर के जरिए होने वाली अजान का खुलकर विरोध किया था। यह बात उन्होंने अपने एक भाषण में भी कही थी। आज उसी भाषण को हथियार बनाते हुए राज ठाकरे ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जानकारों की माने तो वो इस भाषण के जरिए जनता को यह बताना चाहते हैं कि मौजूदा शिवसेना अपने असल मुद्दों से भटक चुकी है। जो शिवसेना हिंदुओं के उत्थान के लिए बनी थी, आज वह उन्हीं मुद्दों को छोड़कर सेक्युलर हो चुकी है। मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की मनसे की चेतावनी के बाद पूरा पुलिस महकमा एक्टिव हो गया है। हालांकि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज ठाकरे को इस केस में तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हमने इस मामले में उनके खिलाफ आपराधिक जमानती धाराओं में केस दर्ज किया है। अभी इस मामले की जाँच हो रही है और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। राज ठाकरे गिरफ्तार हो गए या नहीं, ये एक राजनीतिक निर्णय होगा। बहरहाल पुलिस ने MNS कार्यकर्ताओं समेत 15,000 लोगों के खिलाफ एहतियाती कदम उठाए हैं। प्रमुख नेताओं और करीब 13,000 लोगों को सेक्शन 149 के तहत नोटिस भेजा गया है। वहीं राज्य सरकार ने कहा कि वह लाउडस्पीकर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 2005 के फैसले को मानेगी। राज्य सरकार ने केंद्र से लाउडस्पीकर के लिए गाइडलाइंस जारी करने का आग्रह किया है। साथ ही कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। राज के ऐलान के बाद MNS कार्यकर्ता भी डट गए हैं। पार्टी के नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि अगर राज ठाकरे गिरफ्तार होते हैं तो हम संघर्ष के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि MNS कार्यकर्ता राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के अल्टीमेटम का पालन करेंगे और इस मामले में कोई बदलाव नहीं आया है। सरकार चाहे जितना भी प्रयास कर ले, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। कानून की आड़ में जबरदस्ती की गई तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। मनसे की लाउडस्पीकर संबंधी चेतावनी पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राज्य में कोई भी गैरकानूनी लाउडस्पीकर नहीं चल रहा है।
ऐसे मुद्दों के बहाने राज ठाकरे माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में लाउडस्पीकर को लेकर कानून बना है, उसका पालन महाराष्ट्र में भी किया जा रहा है। संजय राउत ने यह भी कहा है कि शिवसेना स्कूल ही असली हिंदुत्व है। बाल ठाकरे और वीर सावरकर ने ही देश को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया। राज्य में कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, लोग जानबूझकर माहौल को खराब करने पर तुले हैं और इसके पीछे सरकार को अस्थिर करने की भाजपा की साजिश काम कर रही है। बता दें कि मंगलवार को ठाकरे ने लोगों से हनुमान चालीसा चलाने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि कल 4 मई को अगर आप लाउडस्पीकर पर अजान सुने तो उन जगहों पर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाएं, तभी उन्हें इन लाउडस्पीकर से होने वाली परेशानियों का एहसास होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी स्थानीय मंडलों और सतर्क नागरिकों को इसके खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करनी चाहिए और हस्ताक्षरों के साथ हर रोज अपील लेटर स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करना चाहिए। अगर कोई सुने कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर चल रहा है तो 100 नंबर डायल करे और शिकायत दर्ज कराए। कानून सभी के लिए एक समान होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हिंदू के लिए कानून अलग होगा और मुस्लिमों के लिए कानून अलग होगा। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी बनाम भाजपा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जंग में आम आदमी पार्टी अपने विस्तार का रास्ता ढूंढ रही है। आम आदमी पार्टी चुपचाप महाराष्ट्र में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के कम 3 वरिष्ठ नेताओं से पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया है। खबर के मुताबिक आपने जिन कांग्रेस नेताओं से संपर्क किया है उनमें मुंबई के 2 पूर्व लोकसभा सांसद और पश्चिम महाराष्ट्र के 1 वरिष्ठ नेता है। रिपोर्ट में कहा है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आपने भी इस बात की पुष्टि की है कि बातचीत चल रही है। हालांकि आपने कहा कि ये वो नेता थे जिन्होंने उससे संपर्क किया, न कि पार्टी ने उनसे संपर्क किया। आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रीति शर्मा मेनन ने कहा कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने हमसे संपर्क किया है। कांग्रेस के कुछ पूर्व मंत्री भी बातचीत कर रहे हैं, बातचीत अभी भी चल रही है। वे हमारी पार्टी के लिए क्या योगदान देंगे इसको लेकर एक लंबी चर्चा हो सकती है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब महाराष्ट्र के कुछ कांग्रेस नेताओं में बेचैनी बढ़ रही है, जो दावा कर रहे हैं कि उन्हें सरकार के भीतर उनका हक नहीं मिल रहा है। हाल ही में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस मुद्दे पर दिल्ली दरबार में हाजिरी भी लगाई थी। माना जा रहा है कि आप भले ही यह कह रही है कि लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि सेंधमारी जारी है। एक कुनबे को बढ़ाने की फिराक में है तो दूसरा जमीन तैयार करने की जुगत में लगा हुआ है। चीन पर पलटवार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की यात्रा पर जा रहे हैं। वे बुद्ध जयंती पर लुम्बिनी की भी यात्रा करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर तलाक ए हसन और एक तरफा अतिरिक्त न्यायिक तलाक के अन्य सभी रूपों को खत्म करने और असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक भीड़ ने गौहत्या के संदेह पर 2 आदिवासियों को पीट पीट कर मार डाला। इस बीच 16 साल की एक लड़की ने अपने पिता को लीवर दान करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण ली है। उसके पिता का लीवर खराब हो चुका है, उनका लीवर ट्रांसप्लांट होना है। तो उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल आपराधिक मामलों से संबंधित जानकारी छिपाने और झूठी जानकारी देने के चलते कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त नहीं कर सकते। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेपाल में चीन के इशारे पर नाच रहे केपी ओली के सत्ता से जाने के बाद अब भारत ने भी इस हिमालयी देश में ड्रैगन पर करारा पलटवार करने की तैयारी तेज कर दी है। नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा के ठीक बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नेपाल की यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी बुद्ध जयंती पर लुम्बिनी की यात्रा करेंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा से ठीक पहले भारत ने नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में राजदूत बनाने की तैयारी कर ली है, जो साउथ ब्लॉक में चीनी मामलों के विशेषज्ञ है। पीएम मोदी की नेपाल यात्रा के बारे में अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि नवीन श्रीवास्तव नेपाल में भारतीय राजदूत के रूप में विनय मोहन क्वात्रा की जगह लेंगे। क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है। विश्लेषकों का कहना है कि नवीन श्रीवास्तव की राजदूत के रूप में नियुक्ति करके भारत नेपाल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़ते प्रभाव को कम करना चाहता है। पीएम मोदी लुम्बिनी की यात्रा करके सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लुम्बिनी सांस्कृतिक रूप से नेपाल और भारत दोनों को ही जोड़ता है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी नेपाल की यात्रा करके पहले तल्ख हुए रिश्तों को फिर से मधुर बनाना चाहते हैं। नेपाल इस समय अमेरिका बनाम चीन की प्रतिद्वंद्विता में घिरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर तलाक ए हसन और एक तरफा अतिरिक्त न्यायिक तलाक के अन्य सभी रूपों को खत्म करने और असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।
याचिका में दावा किया गया है कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। गाजियाबाद निवासी बेंजीर हिना द्वारा दायर याचिका में सभी नागरिकों के लिए तलाक के समान आधार और प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह एक तरफा न्यायतर तलाक हसन का शिकार हुई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पुलिस और अधिकारियों ने उसे बताया कि शरीयत के तहत तलाक हसन की अनुमति है। तलाक हसन में 3 महीने की अवधि में महीने में एक बार तलाक कहा जाता है। तीसरे महीने में तीसरी बार तलाक कहने के बाद तलाक को औपचारिक रूप दिया जाता है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय तलाक हसन और न्यायतर तलाक के अन्य रूपों को असंवैधानिक करार दे। अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 एक गलत धारणा व्यक्त करता है। यह कानून तलाक हसन और एकतरफा न्यायतर तलाक के अन्य सभी रूपों को प्रतिबंधित करता है जो विवाहित मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों के लिए बेहद हानिकारक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 और नागरिक तथा मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करता है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक भीड़ ने गौ हत्या के संदेह पर 2 आदिवासियों को पीट पीट कर मार डाला। 3 मई को 15 से 20 लोगों की भीड़ ने संपतलाल वट्टी और धानसाई इनवाती नाम के 2 आदिवासियों को मार डाला, जबकि ब्रिजेश नाम के एक और आदिवासी को भी पीटा गया। उसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि स्थानीय पुलिस को भीड़ द्वारा इन लोगों के पकड़े जाने की सूचना मिली थी, लेकिन जब तक पुलिस स्थल पर पहुंची तब तक संपतलाल और धानसाई को मार दिया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और जबलपुर नागपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की और 9 आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस मृतकों के खिलाफ लगे गौ हत्या के आरोप की जांच पर भी ध्यान दे रही है। पुलिस ने पत्रकारों को बताया कि मृतकों के घर से 12 किलो मांस मिला है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा गया है। इस बीच कांग्रेस ने इस लीचिंग का आरोप बजरंग दल पर लगाया है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें हाथों में लाठी लिए कुछ लोग दोनों आदिवासियों को घेर कर उनसे पूछताछ करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और राज्य सरकार इन्हें रोक नहीं पा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाने, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने, पीड़ित परिवारों की मदद करने और घायल युवक के इलाज के सरकारी खर्च पर संपूर्ण व्यवस्था की मांग की है। 16 साल की एक लड़की ने अपने पिता को लीवर दान करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण ली है। उसके पिता का लीवर खराब हो चुका है, उनका लीवर ट्रांसप्लांट होना है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर लीवर नहीं मिला तो वह 15 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। लड़की ने अब कानून का हवाला देते हुए अपने लीवर का एक हिस्सा डोनेट करने के लिए कोर्ट की इजाज़त मांगी है। उसकी याचिका पर हाईकोर्ट ने संबंधित अथॉरिटी से एक दिन के अंदर जवाब मांगा है। दरअसल कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई नाबालिग अपने किसी रिश्तेदार को सीधे ही अपने अंगदान कर सके। मानव अंगदान एवं प्रत्यारोपण अधिनियम में साफ लिखा है कि कोई करीबी रिश्तेदार ही किसी को अंगदान कर सकता है। इसके लिए किसी अथॉरिटी से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अधिनियम की धारा 1(1)(b) में नाबालिगों के लिए अपवाद बनाया गया है। कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के मामले में सक्षम प्राधिकारी और राज्य सरकार की पहल से इजाजत के बाद ही अंगदान पर विचार किया जा सकता है। कानून में ये नियम तो है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी ये स्पष्ट नहीं है। हाईकोर्ट में लड़की के वकील तपन थाटे ने बताया कि उसके पिता लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित है, बिस्तर पर है। मार्च में डॉक्टरों ने उनका लीवर ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी थी। उनके जितने भी ऐसे करीबी रिश्तेदार हैं जो अंगदान कर सकते हैं उनकी जांच की जा चुकी है, लेकिन कोई भी लीवर डोनेट करने के लिए मेडिकल फिट नहीं पाया गया है। सिर्फ उनकी बेटी ही है जिसका लीवर पिता को ट्रांसप्लांट होने लायक मिला है। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल आपराधिक मामलों से संबंधित जानकारी छिपाने और झूठी जानकारी देने के चलते कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त नहीं कर सकते। न्यायाधीश अजय रस्तोगी और संजीव खन्ना की पीठ ने रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल के पद पर तैनात पवन कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही। कांस्टेबल पवन कुमार को RPF में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। इस दौरान जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे तो इन्हें इस आधार पर हटा दिया गया कि उन्होंने यह जानकारी नहीं दी थी कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मामले में प्राथमिकी पवन द्वारा आवेदन भरने के बाद दर्ज की गई थी। सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों की पीठ ने कहा
कि हमने आपराधिक मामले में लगाए गए आरोपों की प्रकृति को भी ध्यान में रखा, जो बेहद मामूली अपराध था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में अवतार सिंह बनाम भारत संघ मामले में दिए गए फैसले पर विश्वास करते हुए आरपीएफ कांस्टेबल पवन द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में कांस्टेबल पवन कुमार को बर्खास्त करने की मांग को मंजूरी दे दी थी। पवन कुमार के वकील ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नज़ीर पेश किया है और यह अन्य पीड़ितों के लिए राहत का प्रमुख आधार बनेगा। बच्चों में तेजी से फैलने वाला अज्ञात किस्म का गंभीर हेपेटाइटिस अब दुनिया भर में फैलने लगा है। 20 देशों में इसका असर सामने आया है, तो पश्चिमी देशों के विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि 9 मई को रूस के विक्ट्री डे पर पुतिन यूक्रेन में जंग का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। वहीं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की कमान हाथों में लेने के बाद एलन मस्क ने कहा है कि कमर्शियल और गवर्नमेंट यूजरों को इसके लिए कुछ कीमती चुकानी पड़ सकती है। इसी बीच वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर एक विशालकाय ऑरोरा को देखा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। यह हजारों किलोमीटर तक फैली हुई थी। तो उधर चीन में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अधिकारियों ने वृद्धाश्रम में रहने वाले एक जिंदा बुजुर्ग को मृत घोषित कर उसे मुर्दा घर भेज दिया। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बच्चों में तेजी से फैलने वाला अज्ञात किस्म का गंभीर हेपेटाइटिस अब दुनिया भर में फैलने लगा है। अब इसके मामले सिर्फ 12 देशों में आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में 8 अन्य देशों में भी इसके मामले रिपोर्ट किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की पुष्टि की है कि यह अब 20 देशों में फैल चुका है। पूरी दुनिया में 228 बच्चे इसके कारण बीमार है, 50 अन्य में लक्षण दिखे हैं और उनकी जांच होनी है। एक मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि 4 और संदिग्ध है। वही 18 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि कई देशों में फैल चुकी ये बीमारी अब पीक पर है। कई देश अब इसे लेकर निगरानी बढ़ा रहे हैं। हेपेटाइटिस के ज्यादातर मामले यूरोप में देखने को मिले हैं। वैज्ञानिक बच्चों में बढ़ते इस बीमारी को लेकर हैरान है, क्योंकि कोई भी बीमार बच्चा सामान्य हेपेटाइटिस के वायरस से पॉजिटिव नहीं पाया गया है। माना जा रहा है कि नए तरह के हेपेटाइटिस के लिए एडेन वायरस जिम्मेदार है। एडेनोवायरस वायरस का एक बड़ा समूह है, जो जानवरों के साथ साथ मनुष्य को बड़े पैमाने पर संक्रमित करते हैं। इस वायरस की कुछ प्रजातियां श्वसन जैसी बीमारियों का कारण बनती है, जिनमें बच्चों और शिशुओं में होने वाली क्रूप नामक बीमारी शामिल है। हेपेटाइटिस का ये अज्ञात वायरस आयरलैंड, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड, इजराइल, डेनमार्क, नॉर्वे और रोमानिया में फैला है। रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध का आज 70वां दिन है। रूस ने गत 24 फरवरी को यूक्रेन में हमला किया था, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध का ऐलान करने से परहेज किया और बार बार यही कहा था कि उनकी सेना विशेष सैन्य अभियान चला रही है। अब पश्चिमी देशों के विश्लेषकों को डर सता रहा है कि 9 मई को रूस के विक्ट्री डे पर पुतिन यूक्रेन में जंग का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। इससे पुतिन को यूक्रेन में अपने अभियान को तेज करने का रास्ता मिल जाएगा। रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है और दुनिया के समक्ष अपनी महाविनाशक ताकत का प्रदर्शन करता है। दरअसल साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 9 मई को हिटलर की नाजी सेना को सोवियत संघ की लाल सेना ने बुरी तरह से पराजित किया था। तभी से विक्ट्री डे सैन्य परेड का मॉस्को के लाल चौक पर आयोजन किया जाता है। इस दौरान रूसी नेता लेनिन के मकबरे के सामने खड़े होकर इस परेड का निरीक्षण करते रहे हैं। पश्चिमी देशों के अधिकारियों का मानना है कि राष्ट्रपति पुतिन विक्ट्री डे के दिन का इस्तेमाल यूक्रेन में एक बड़ी सैन्य सफलता या फिर युद्ध को तेज करने के ऐलान के लिए कर सकते हैं। पुतिन लामबंदी कानून भी लागू कर सकते हैं। इससे पुतिन को न केवल सैनिकों को इकट्ठा करने की अनुमति मिल जाएगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था युद्ध स्तर पर पहुंच जाएगी। यह भी कहा जा रहा है पुतिन देश में मार्शल लॉ लागू करके चुनाव को भंग कर सकते हैं और पूरी सत्ता को अपने हाथ में ले सकते हैं। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की हो चुकी है। इसके दुनिया में करोड़ों करोड़ यूजर है। इसकी कमान हाथों में लेने के कुछ ही दिन बाद एलन मस्क ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके चलते आगे ट्विटर इस्तेमाल करने के पैसे देने की आशंका जताई जाने लगी है। एलन मस्क ने कहा है कि कमर्शियल और गवर्नमेंट यूजरों को इसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है। वैसे मस्क ने अभी यह बात जरूर कही है कि कैजुअल यूजरों के लिए यह प्लेटफॉर्म हमेशा फ्री रहेगा। एलन मस्क ने इस बारे में एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि ट्विटर हमेशा कैजुअल यूजरों के लिए मुफ्त बना रहेगा, लेकिन कमर्शियल और गवर्नमेंट यूजरों को इसकी थोड़ी सी कीमत देनी पड़ सकती है।
उन्होंने फ्री मेसन्स का जिक्र करते हुए कहा कि आखिरकार उसका पतन अपनी शानदार सेवाओं को लगभग कुछ न लेने के कारण हुआ था। मस्क ने $44 अरब में ट्विटर को खरीदा है। इस तरह की खबरें हैं कि वह इसमें आमूल-चूमूल बदलाव कर सकते हैं। इसके तहत कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल और पॉलिसी हेड विजय गाड्डे को हटाया भी जा सकता है। कंपनी की बागडोर को हाथ में लेते ही एलन मस्क ने फ्री स्पीच की बात कही थी। ट्विटर पर पक्षपात का आरोप लगता रहा है। एलन मस्क के इस बयान को इस चीज के साथ जोड़कर देखा गया था। मस्क ने हाल ही में ट्विटर पर नए फीचर जोड़ने की बात कही थी। एक ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था कि ट्विटर में अपार संभावनाएं हैं। वह कंपनी के साथ काम करने को लेकर उत्सुक है। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर एक विशालकाय ऑरोरा का देखा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। ऑरोरा वातावरण में नजर आने वाली रंग बिरंगी रोशनियों को कीड़े जैसी आकृति को बताया गया है, जो ग्रह में हजारों किलोमीटर तक फैली हुई थी। मंगल के अंधेरे आसमान में इसके विशाल घुमावदार रूप का वर्णन करने के लिए इसे सीनियस डिस्क्रिप्ट ऑरोरा नाम दिया गया है। इस अद्भुत नज़ारे को संयुक्त अरब अमीरात स्पेस एजेंसी के होप प्रोब पर लगे कैमरे ने रिकॉर्ड किया है। इस नई खोज के बाद वैज्ञानिकों ने मंगल और उसके वातावरण के बारे में और अधिक नए सवाल उठाए हैं। ग्रह भौतिक विज्ञानी और अमीरात मार्स मिशन के सहयोगी रॉब लिलिस ने दावा किया है कि वैज्ञानिकों की टीम ने नवंबर के बाद से मंगल ग्रह पर इस तरह के कई लाइट शो देखे हैं। ये वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की उच्च ऊर्जा वाली धाराएं हैं, जो मूल रूप से सूर्य से आती है, जिन्हें ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र गति देता है। चाहे वह पृथ्वी हो या मंगल, ये इलेक्ट्रॉनों सभी के वातावरण में प्रवेश करते हैं, जिनसे ग्रह का वातावरण जगमगा उठता है। धरती पर अक्सर इस तरह का ऑरोरा दिखाई पड़ता है। पिछले महीने आइसलैंड से सामने आई अद्भुत तस्वीरों में बादलों से ऑरोरा की बारिश जैसा नज़ारा देखने को मिला था। वैज्ञानिकों के अनुसार, जब सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से भारी मात्रा में आवेशित कण तेज गति से बाहर निकलकर पृथ्वी की चुंबकीय कक्षा में आते हैं, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से प्रतिक्रिया कर लाल, हरा और बैंगनी रंग का जादुई संसार बनाते हैं। चीन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें चिकित्सा कर्मियों को एक जिंदा शख्स को बॉडी बैग में रखकर ले जाते हुए दिखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जिंदा इंसान बॉडी बैग में रखा है और जब वह हिलता है तो चिकित्सा कर्मियों को एहसास होता है कि उनसे गलती हो गई। वीडियो कथित तौर पर चीन के आर्थिक केंद्र शंघाई का है। बता दें कि शंघाई इस समय कोरोना के कहर से जूझ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने वृद्धाश्रम में रहने वाले एक जिंदा बुजुर्ग को मृत घोषित कर उसे मुर्दाघर भेज दिया। गनीमत ये रही कि दफनाने से पहले वह व्यक्ति हिलने लगा, जिसके बाद चिकित्सा कर्मियों ने उसे वापस अस्पताल भेज दिया। सोशल मीडिया पर दो लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इस पूरी घटना के बारे में पता चला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शंघाई के पुटुओ जिले के शिनचेंगजेंग वेलफेयर हॉस्पिटल में मुर्दाघर में काम करने वाले दो कर्मचारी बॉडी बैग में जिंदा इंसान को लेकर जा रहे हैं। इनमें से एक शख्स बैग्स को खोलता है और जोर देकर बोलता है कि यह व्यक्ति मरा नहीं है। जिस शख्स ने यह वीडियो शूट किया है, उसे चीनी अधिकारियों की आलोचना करते हुए सुना जा सकता है। वह शख्स कहता है कि नर्सिंग होम में सब गड़बड़ चल रहा है। उन्होंने एक जिंदा व्यक्ति को दफनाने के लिए भेज दिया। वे कह रहे हैं कि वो मर चुका है। इस गंभीर लापरवाही के मामले की सख्त जाँच शुरू कर दी गई है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।